असलम आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं बतूल राजपूत आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उस डील के बारे में जो बहुत दिनों से खबरें हैं ख़बरों में है पाकिस्तान और आईएमएफ की डील उसके बहुत सारे नुकत सामने आ रहे हैं और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये बायदा सामने आ जाएगी लेकिन इसके जो रिवाइज पॉइंट्स हैं वो अब सबके सामने आ चुके हैं जिसकी वजह से टैक्स का हदफ़ बढ़ाया जाएगा पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई जाएगी पावर टैरर्स बढ़ाए जाएंगे फूड प्राइस बढ़ाई जाएँगी इवेंचुअली एक गरीब एक मिडल क्लास पर ज़्यादा बो जाएगा लेकिन इसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास क्या क्या चॉइसेस हो सकती हैं इस पर भी बात करेंगे और हम कब तक आईएमएफ की ही बात बार बार मानते रहेंगे हमारे पास अपनी कोई चॉइस हो भी सकती है नहीं इस पर भी बात करेंगे और जो सेवन पॉइंट ट्रिलियन का टैक्स है आपने इकट्ठा किस तरह से करना है और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बलोचिस्तान और सिंध के पानी के मसाइल के हवाले से इस वक्त बलोचिस्तान के अंदर पानी की किल्लत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि तीस फ्लोर मिल्स को बंद कर दिया गया है क्योंकि गंदम पैदा नहीं की जा सकी और आज हम एक अफगानिस्तान से अफसोसनाक ख़बर सामने आई है उसके हवाले से भी बात करेंगे कि सिक्स पॉइंट वन रेक्ट स्केल का आया पिछली रात और तकरीबन एक हज़ार से तकरीब हलाकतें हुई हैं नाइन फिफ्टी प्लस लोग मारे गए इस, इस हवाले से भी बात करेंगे और सोहेल शाहन साहब तर्जुमान अफ़ानकूमत मुझे जॉइन करेंगे प्रोग्राम में डॉक्टर इकराम शकील रामे दोनों माहिर माशात हैं प्रोग्राम में जॉइन करेंगे और पानी के मसाइल के हवाले से डॉक्टर हसन अब्बास माहिर आबीर हमें प्रोग्राम में जॉइन करेंगे इस वक्त मुझे प्रोग्राम में जॉइन किया है सहेल शाहन साहब ने जो कि तर्जुमान अफान हुकूमत हैं बहुत शुक्रिया सोहेल शाहि साहब मुझे जॉइन करने के लिए बहुत अफसोसनाकबर अफगानिस्तान से सामने आ रही है कि सिक्स पॉइंट वन रेक्टर स्केल का जल्जला आया और इस वक्त तकरीबन एक हज़ार के करीब करीब लोग

बहुत लास हो गए है आ, सोल में और इक्विपमेंट में तकरीबन अभी जो नया रिपोर्ट आ रही है एक हजार से भी ज्यादा जाने उन्होंने जान से हाथ धो दिया है जिंदगी उसमें तो वो मर गए हैं और छह सौ से ज्यादा मजरूह है जख्मी है और ऐसा बहुत से विलेजेस वो बिल्कुल डिमोलिश हो गए हम्म। तो सुहेल शाहन साहब ये बताइएगा कि जो मुतल हॉस्पिटल्स हैं क्या उनमें अमला अवेलेबल है क्योंकि इस वक्त जो मुशी हालात हैं वो इतने फेवरेबल तो नहीं हैं तो इस वक्त इस इस सिचुएशन में कल रात से अब तक आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है जी बिल्कुल वो जो लोकल क्लिनिक्स है या अस्पताल है वो कोप नहीं कर सकता कि उसको हैंडल कर दे इसलिए टीम्स गए हैं एरिया को जो अफेक्टेड एरिया है उसको काबिल से गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसकी टीम गए हैं दूसरी एन की टीम उधर गए हैं लेकिन बहुत बारिश है साहे में बहुत ज्यादा बारिश है तो मुश्किल है तो क्या कहीं से आपको इमदाद के हवाले से रब्ता किया गया किसी दोस्त ममालिक से जी दोस्त मालिक ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर्स अफगानिस्तान से कांटेक्ट किया है ऑफर किया है असिस्टेंस को लेकिन जो इमीडिएट रिलीफ असिस्टेंस वो काबल से गए हैं वो स्टार्ट में ठीक है अब ये पाकिस्तान से तो ऑलरेडी केपी में से कह दिया गया है कि आपको मेडिकल असिस्टेंस देंगे लेकिन क्या यूनाइटेड नेशंस में से भी किसी ने रब्ता किया जी यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि हम आ, कर रही है, है उसके मुताबिक हम इमदाद रवाना कर देंगे ठीक है सोहिलशाइन साहब आप आप, आप, आप चूंकि मेरी आपसे इस मौके पर बात हो रही है ये एक अफसोसनाक वक्त है जिसपे हम बात करें लेकिन चूंकि रेलिवेंट है तो मैं आपसे पूछ रही हूँ की अब चूंकि आपको हुकूमत संभाले हुए गुजर चुका है और अब इस तरह के ये जो नेचुरल डिजास्टर्स है ये भी आपके रास्ते में आ रहे हैं तो आपको तो इस वक्त तो बहुत जरूरत है कि आप एक मजबूत हुकूमत बने लेकिन बार बार इंटरनेशनल कम्यूनिटी की तरफ से आपसे मुतालबा किया जाता है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के आ, के तो पूरा उतरे तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं जी वो अफगान के लिए जो, जो वो शामिल हो इस हुकूमत में जो सारे इतनी सिटीज में शामिल हो जै जैसा जहाज में शामिल थे उसमें हमें कोई मुश्किल नहीं है वो शामिल है इसलिए एक शोरा भी आ रही है हम पिछले आइंदा एक महीने में इंशाल्लाह बुलाएंगे वो कन्वीन करेंगे इस शोरा भी उसके सामने वो बहुत मेन इशूज रख देंगे लेकिन बड़ी अमाउंट आगर... आपकी डॉलर्स बिलियन डॉलर्स में फंसी हुई है जो अफगानिस्तान के अपने पैसे हैं। उसको वापस लाने के लिए आप लोग बहुत फ्रीडम लविंग पीपल है उन्होंने बहुत सीना कुर्बानिया दी है पिछले चार दाहों में तो वो उसके हम मुखालिफे वरना अफगान अवाम जो है जो किसी भी इथनीसिटी से रिलेटेड हो अफिलेटेड हो तो वो इसमें मुश्किल नहीं वो सारे हुकूमत में शामिल है और आइंदा में भी उसके अहलियत के मुताबिक शामिल होंगे लेकिन वो दूसरी आपने कहा वो जो हमारे जो एसेट है वो अफगानिस्तान बैंक का एसेट है अफगान आवाम का एसेट है उसको रिटर्न करना चाहिए वापस अफगानिस्तान बैंक को तो उन्होंने उधर कब्जा किया है हालांकि उन्होंने उधर कि वो सेफ होंगे उधर तो नाइन इलेवन के बारे में जो क्लेम कर रहे हैं एक, है एक अफगान भी उसमें इन्वॉल्व नहीं था ठीक है बहुत शुक्रिया सोहेल शाइन साहब और मेरी बहुत दिली ख्वाहिश है कि हम मेरी एक लंबी तो आपके साथ जिसमें हम खास खासतौर पर खुवा के हकूक के बारे में बात करें नाजिन यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते प्रोग्राम में खुश आमदीद और इस वक्त हम बात करेंगे मौशी सूरत हाल के बारे में आई एम एफ़ के साथ पाकिस्तान का एक माह सामने आया है जिसके बहुत सारे नुकात अब डिस्कस किए जा रहे हैं बाबा माहा कुछ दिनों में सामने आएगा लेकिन एटलीस्ट जो बजट के हवाले से रिजर्वेशन थी वो सामने आई हैं और अब प्रॉबेबली एक रिवाइज बजट पेश किया जाएगा टैक्स का हदफ बढ़ाने की बात की जा रही है कस्टम वसूली का हदफ बढ़ाया जाएगा पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई जाएगी पेट्रोलियम लेवी के हवाले से मैं आपको बताते चलूँ कि नून लीग के दौर में पेट्रोलियम लेवी ऑर्डीनेंस के बारे में बात की गई थी कि अगर ये बढ़ाना है तो पार्लियामेंट का एक बाकायदा इसमें रोल होगा वो रोल कैसा रहा है इस पर भी बात करेंगे और इस बजट में जो स्पेंडिंग है उस उस पर भी एक बहुत बड़ा कट लगाया गया है कि जो इमरजेंसी स्पेंडिंग है 200 बिलियन की उसको भी कट लगाया गया है लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो टैक्स नेट है वो इस तरह से बढ़ाया जा रहा है कि पेट्रोलियम लेवी भी साथ साथ बढ़ाई जा रही है एक फ्लैट टैक्स आवाम पे आ रहा है तो दोनों तरफ से एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पे आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा लेकिन इस इस माहे से हम कोई ज़्यादा बड़ी उम्मीदें रख सकते हैं या नहीं रख सकते इस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉकाम हक साहब हमारे माशियात हैं और शकील रामे साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं इज़ एकॉनमिस्ट डॉक्टर साहब आपसे बात शुरू करूँगी मुझे बताएं कि आपने माहदे के हाले से निकात देखे होंगे और कुछ मैंने भी आपसे शेयर किए हैं तो ये जो ड्यू थिंक दिस द रिवाइज एडिशन ऑफ द बजट विल हेल्प मोर पाकिस्तान जी बेहतर तो नहीं ख़्याल के ऐसा बजट जो इस तरह से रिवाइज़ होगा वो पाकिस्तान के कोई फ़ायदे का होगा इससे तो जाहिर है कि महंगाई तो बढ़े ही बढ़ेगी साथ में हमारी जो तरक्की है वो भी बहुत पीछे चली जाएगी और जाहिर है कि इस तरह की जो कंडीशन थी वो पहले से मालूम तो थी मगर पर हैप्स हम जानबूझ कर या तो समझते नहीं हैं मामला को या फिर ये है कि हम चीज़ों को उलझाते रहते हैं उलझाते रहते हैं ताकि एक ऐसा पॉइंट आ जाए कि जहाँ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो अब ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न ही था कि आई एम एफ ने कहा कि जी अब जब तक ये सारी चीज़ें बजट पेश हो चुका फिनेंस बिल ट्वेंटी ट्वेंटी टू भी पेश हो चुका और अब देखिए इसको सारा रिवाइज एक पोजीशन तो ये तो पार्लियामेंट का मैं समझता हूँ सॉवरेनिटी से लेकर मुल्क कि जो हमारी हम कहते हैं कि एक सॉवरन स्टेट है वो सारा बच्चे तो कंप्रोमाइज़ होता नज़र आ रहा है इसके माशी असरात तो बिल्कुल जाहिर हैं कि ये डिज़ास्टर्स है हमारे लिए हर लिहाज से ना तो हमारे लोगों की इतनी अर्निंग कैपेसिटी है कि वो इस तरह के टैक्सेस और नॉन टैक्सेस जो है वो बर्दाश्त कर सके और फिर आप देखिए कि पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भरा हुआ है और ख़ुद इकनॉमिक सर्वे में भी इसका जिक्र आया और आप देखें तो फिर एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू के नीचे भी आप जो है वो टैक्स एक्सपेंडिचर देखते हैं बेपना किस्म की यानी कि मारात हैं वन पॉइंट फाइव थ्री ट्रिलियन और तीन चार साल में तो हमने शायद पाँच ट्रिलियन से ऊपर की तो मारात ही दे दी है फिर अगर इस तरह की टैक्सेशन पैरेटिक करनी है तो फिर यही इंजाम होगा जो अब हमारे सामने नजर आ रहा है ठीक है शकील रामे साहब ये 7.44 ट्रिलियन का जो टैक्स टारगेट रिवाइज रिवाइज एडिशन में आएगा उस आपको ये आपको अचीवेबल लग रहा है देखिए लास्ट ईयर जो मरा टारगेट था मैंने वो 600 6 ट्रिलियन का था अगर मैं गलत हूं तो डाटा ट्रांसफर तो सही कर देंगे तो उस पे हमने लास्ट ईयर जो के दी थी हमने इनको सब्सिडीज दी थी या एग्जेंप्शंस दी थी हमने लीड क्लास पाकिस्तान की वो 1.7 ट्रिलियन थी अगर हम सिर्फ वो एग्जम्पन ही खत्म कर दें तो हम इस हदफ को क्रॉस कर देंगे मगर जिस तरह अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसा कुछ हमें होता नजर नहीं आएगा क्योंकि लीड क्लास तो अपने मजे लेते लेकिन आई एम सॉरी टू कट यू ये जो 200 तो बिलियन की इमरजेंसी स्पेंडिंग का कट है इसका क्या मतलब है मेरा ख्याल कहता है ये वो होती है कि जो कि जो कि जो पाकिस्तान को खुदाना खासा कोई नागहानी आफत आती है तो उसमें एमरजेंसी फंड यूटिलाइज कर सकते हैं जब कोई और एमरजेंसी होती है तो यूटिलाइज कर सकते हैं अब बात वहीं पे आके रुकती है कि जब आप बात करते हैं कि गरीबों के लिए क्या है अब होना यही है कि इनकम टैक्स भी जो है पर्सनल टैक्स की बात कर रहे थे आई की डील के, के बाद वो बढ़ेगा अब इसके अलावा और क्या होगा जो जरिए जो हमने सोच रहे थे कि जो इसमें बहुत सारी जरात को इन्होंने छूट दी हुई थी अब मुझे नहीं पता वो कहाँ तक जाएगी फिर तीसरी जो अहम चीज जो कि डॉक्टर साहब ने ये बयान की थी मगर आपने शायद उसको जरा इम्पोर्टेंस नहीं दी सवरिटी अब देखें पहले जो हमारी थी स्टेट बैंक की सवरानिटी वो हम कम्प्रोमाइज़ कर गए थे जो लास्ट ईयर में आया था उसमें जो फंडामेंटल डिफरेंस है जो डिस्कस नहीं होता कि जो इस बिल से पहले स्टेट बैंक के तो स्टेट बैंक की ड्यूल ड्यूटी होती थी कि वो ग्रोथ को भी देखती थी अब उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ड्यूटी है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल नहीं हो पा रही है दूसरी जहाँ सबरेंडी बात की है डॉक्टर साहब ने इसकी पार्लियामेंट की मुझे तो कहीं नजर नहीं आती हम तो जहाँ सिर्फ कहते हैं ना आर्मी को टारगेट करके बात करते हैं मगर हम इंटरनेशनली देखें तो हमारी जो पार्लियामेंट के आधे जो लोग ना मुख्तलि एन जी के साथ अफिलियटेड होकर कभी किसी टूर पे जा रहे हैं उसे फंडिंग लेके वो क्या कर रहे हैं कोई प्रोग्राम बना रहे हैं उनकी फंडिंग पे पैसे पे फंडिंग पे वो डिफरेंट तरीके की रिपोर्ट जारी करते हैं तो ये जो एक कम्प्रोमाइज किस्म की इन्होंने बना दिया पोलिटिकल क्लास ने हमें पाकिस्तान को इसमें ये चीजें जो हमें नजर आ रही है होनी थी अब भी अगर इन्होंने करना है अगर इस चीज को इन्होंने रिवर्स करना है इकोनॉमी को ग्रोथ पे डालना है तो उसके लिए सबसे फंडामेंटल चीज ये होगी कि ये अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स को कट करें उस उसपे वो ये कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं नॉन डेवलपमेंट मतलब इनकी जो पर्स है इनकी मरात है उस पर कंप्रोमाइज करें देखें कल तरत ने एक जो वीडियो अपलोड की थी कि एक वजीर की रोटी लेने के लिए पूरा प्रोटोकॉल आया हुआ है

ये बार बार शहबाज शरीफ कहते हैं तनख्वाहों का आई एम एस से ताल्लुक नहीं है तेल का आई एम एस से ताल्लुक नहीं है जो ये इकदाम खुद ले रहे हैं अगर इसका आई एम एस से ताल्लुक नहीं है तो फिर आई एम एफ क्या चाहता है और ये लोग खुद क्या करना चाहते हैं आपको आप समझते हैं कि होंडी पब्लिक डिप्लोमेसी कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली आई एम एफ चाहता तो यही है कि आप पावर टेरफ बढ़ाएं फूड प्राइस बढ़ाएं जी वो तो ये चाहते थे कि पहले पहले तो हमारा जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स का मतलब ये होता है कि आप अपने फिजिकल रिफॉर्म्स करें आप फंडामेंटल रिफॉर्म्स करें ताकि बार बार आईएमएफ के पास ना आए चाहते तो पता नहीं वो क्या है लेकिन बाहर कैद जो उनकी किताबों में और जो पॉलिसीज में लिखा होता है, होता है, इसका बिल्कुल उलट है यानी कि हम वो रिफ़ॉर्म्स करना तो दूर की बात है अभी जैसे शकील आमिर साहब ने फरमाया कि हमारे तो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में मैं अभी और चीज़ें ऐड करूंगा कि आप जो फ्री प्लाट्स देते हैं यानी किस की कॉस्ट पे ये फ्री प्लॉट्स दिए जाते हैं अगर फ्री प्लाट्स की आप वैल्यू लगाएं तो कहाँ पे मामला जाता है ये भी तो

जो है वो पचहत्तर साल पाकिस्तान को हो गए हैं मगर अगले साल में क्या, क्या आप नई नस्लों को जवाब देंगे पाकिस्तान एट भी ऐसा ही होगा देखिये देखिए 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 डॉक्टर साहब ये तो वो, वो इकदाम के अंदर से करने की जरूरत है ये तो माइक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में उन स्टेप्स में आ जाता है ये तो हम करते ही नहीं है ये तो हमारी तवज्जो ही नहीं जाती जब हम आईएमएफ के टारगेट अचीव करते हैं तो हमें लगता है सब ठीक है उसके बाद जब हम उस प्रोग्राम में हमें, हमें पैकेजेस नहीं मिलते तो हमारी पूरी तवज्जो इस तरफ इंक्लूसिवली तो अनफॉर्चुनेटली मुल्क में कुछ हो नहीं रहा कि पेट्रोलियम लेवी के बारे में मुझे बताइएगा कि ये ये जो इन्होंने एक बार सेट किए कि फ, फिफ्टी रुपीज़ पर लीटर ये, ये किस तरह से अफेक्ट करेगा आने वाले दिनों में और जो पार्लियामेंट का रोल क्या हो सकता है इसमें जिसमें ज़बरदस्त महंगाई तो होने वाली है कि पहले दस रुपए फिर पाँच मगर पेट्रोलियम जो डेवलपमेंट लेवी है इसका मकसद तो फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होना चाहिए था कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाते कुछ हालत बेहतर करते हमारी पेट्रोल की जो खाम खा की इम्पोर्ट है वो ख़त्म होती और ये पेट्रोलियम लेवी जो लॉ था ये तो दोनों हाउसेज में जाना चाहिए था ये तो टैक्स है ही नहीं तो कैसे एक मनी बिल के जरिए पास करवाया गया हैरत की बात है कि जब इसको आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पास करवाया हुआ है तो कोई भी बंदा जाके ये सुप्रीम कोर्ट में बात कर सकता है कि जी टैक्सेस तो मनी बिल का पार्ट नहीं होते हैं तो कैसे ये लगेगा आईएमएफ ने भी इसको देखा हमारे लोगों ने भी नहीं देखा और ये पेट्रोलियम लेवी जो है मैं कई दफ़ा लिख चुका हूँ इसके ऊपर कि बाहर की तो पाकिस्तान के अंदर एक अजीब सी बात है कि आपने एक लॉ ही ऐसा बना दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर्स के ऊपर ही पूरा नहीं उतरता इससे जो महंगाई आएगी इससे और इसका कोई मसरफ नहीं होगा ये भी फिजिकल डेफिसिट में कहीं कवर हो जाएगा क्योंकि लैबी अगर आपने लगानी है इस तरह की तो फिर किसी खास पर्पज के कार्बन टैक्स आप लगाते हैं माहौलियात को बेहतर करते हैं कोई तो हेल्थ के

जो हमारे जज थे राधा भगवान दास उन्होंने बताया था कि 10 साल में 10 ट्रिलियन इकट्ठा किया और उसका पता नहीं चला कहाँ गया कोई उससे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं किया कुछ भी नहीं किया तो ये इस तरह के टैक्सेस कभी इकरा के थीक थीक लगा देते ठीक है शकील रामी साहब आपकी तरफ मैं ये नुकता लेके आती हूँ कि इस वक्त ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि यूएस का बहुत बड़ा रोल है इस पैकेज को रिलीज करवाने में फिफ्थ लार्जेस्ट सब्सक्राइबर है स्टेक होल्डर आई एम के अंदर तो यही रीजन है या वाकई

पाकिस्तान तो यानी कि पैसों के लिए भाग रहा था क्योंकि हमारे दोस्त दोस्तों ने भी हमें कहा था पहले ये काम करें दूसरी जो चीज है जो अमेरिका की बात करते हैं देखिए अमेरिका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है उधर आईएमएफ में और वर्ल्ड बैंक में आईएमएफ में देखें तो हमें वहां मेजर डिसीजंस के लिए हमें 85 परसेंट वोट चाहिए होते हैं और अमेरिका के पास 16.50 परसेंट वोट है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पूरी दुनिया इकट्ठी भी हो जाए तो एटी फाइव नहीं कर सकती एक चीज दूसरा यह है कि वो उसके यूरोपीय ममालिक जो उनका इन्फ्लुएंस था फिर को हमारा हमारे एनीमे यानी कि बहुत सारे मुखालम मुल्क भी हैं लाइक इंडिया ये वो भी वहाँ पर प्रेशराइज करते हैं सिस्टम को तो उनके वोट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें अगर करना होता तो हमें अपने दोस्तों को बढ़ाना पड़ता है एक चीज़ दूसरी चीज़ अगर हम इसको देखें मैंने बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं रिफॉर्म को समझने की ज़रूरत यह है कि रिफ़ाम का मतलब होता है आपने अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है चाहे वो प्रोडक्शन कैपेसिटी है चाहे वो ह्यूमन कैपेसिटी है

यूटिलाइज कर, कर इस इस पोटेंशियल को अपॉर्चुनिटी से देखें जो तो जीएसपी प्लस की हम बात करते हैं वो तो जो रिफॉर्म्स की भी उन्होंने बात की है वो होनी चाहिए मसलन आपके चाइल्ड लेबर से हमें उनको ख्याल रखना चाहिए हमें माहौल का साफ सुथरा प्रोवाइड करना चाहिए हमारे वर्कर्स को इस तरह जो चीज़ें हैं फंडामेंटल वो चीज़ें हमसे चाह रहे होते हैं वो तो होनी चाहिए मगर इस जगह पर हम एक चीज़ को भूल रहे हैं अगर आई एम एफ के पैकेज को तो हम डिस्कस कर रहे हैं मगर अभी जो कि अभी इससे बड़ी न्यूज़ आई है कि चाइना ने हमें 2.3 बिलियन डॉलर का जो के अभी उन्होंने हमारे पास देना था तो अपरचुनिटीज है हमें यूज करने की उसको यूज करें मगर हमारी जो अलीट क्लास है वो पता नहीं जहाँ करना नहीं चाहती जहाँ उनको पता नहीं मगर पहली बात मुझे ज्यादा लगता है वो करना नहीं चाहती कि वो सिस्टम को ठीक नहीं कर पा रही इन अमरात को खत्म करें अपनी प्रोडक्शन बेस बढ़ाएं जो हमारी स्टेट है, तो आप समझते हैं कि आप समझते हैं कि आई होप कि पाकिस्तान पे नॉन टैक्स लेवल्स की ऑप्शन भी इस्तेमाल की जाए यहाँ पे बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन रहे थे एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं उस वक्त मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया डॉक्टर हसन अब्बास साहब ने जो माहिर आबीर है बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के, के लिए हम पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस करते हैं कि ये ये पानी की जो तकसीम है ये मुनफाना क्यों नहीं है सूबों के अंदर ही क्यों नहीं है जिस मौसम में जिस सूबे को जितना पानी चाहिए वो क्यों नहीं पहुँच सकता इस ये मामला पोलिटिस भी है इसमें पानी की चोरी की शिकायतें भी आते हैं कभी कभी लोकल अथॉरिटीज़ भी इसमें मिली हुई होती हैं लेकिन अभी इतना शदत अख्तियार कर गया है बलोचिस्तान और सिंध के अंदर के गंदम होने की वजह से तीस फ्लोर मिल्स ही बंद कर देंगे और बिलियंस का नुकसान हो रहा है तो सम समझाएं कि तनाज़ा क्यों है जो विद टाइम इतना इंटेंस होता जाए देखिए जी इसमें हमें थोड़ा सा माजी में जानना पड़ेगा कि आखिर ये हम किस लाइन के ऊपर चले थे अपने वाटर मैनेजमेंट के मॉडल्स बनाने में जिसकी वजह से दिन ब दिन हालात बेहतर होने के बजाय जो है वो ख़राब हो रहे हैं हमने बहुत बड़े बड़े पानी के ऊपर मंसूबे किए हैं और मेरे ख्याल में अगर आप पाकिस्तान के वाटर सेक्टर को लें तो जितने हमने फॉरेन कर्जे लिए हैं और जितने हमने मेगा प्रोजेक्ट्स किए हैं वाटर रिसोर्स में और मेरे ख्याल में कोई और सेक्टर मेरे ख्याल में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में कुछ होंगे बड़े प्रोजेक्ट्स लाइक मोटरवेज़ लेकिन उसके अलावा किसी सेक्टर में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं हुए जितने पानी के उसमें हुए हैं लेकिन उसके बावजूद भी ना तो हमारी सूबों की लड़ाई ख़त्म होती है ना हमारी जो है वो हमारे जो मशरकी और मगरबी नेबर्स हैं आ, मुल्क उनके साथ हमारी लड़ाई ख़त्म होती है ना हमारे फार्मर की फार्मर के साथ लड़ाई ख़त्म होती है हेड और टेल के जो मसाइल हैं तो आखिर हमने कहाँ पे गलती की जिसकी वजह से इस सारी इन्वेस्टमेंट के बावजूद हमारा मतलब है कि पानी के मसायल तो अपनी जगह पर उसके साथ सोशल मसायल भी तो आप इसको ज़्यादा करार दे रहे हैं। जी मिसमैनेजमेंट इसमें बहुत ज्यादा है और मिसमैनेजमेंट के साथ कोई थोड़ा सा हमारे जो पुराने थे, लेकिन जो, नहीं कर रहा। उस, उसमें किस सूबे की ज्यादा कंपैरेटिवली जिम्मेदारी बनती है देखिए जी उसमें किसी की भी ना जिम्मेदारी बनती है और ना उसको कोई फॉलो कर रहा है और ना कोई उसको अनफॉलो कर रहा है ये जो आपका पानी का सिस्टम है ना ये ग्रेविटी बेस्ड सिस्टम है इसको ग्रेविटी चला रही है ये कैनाल है केनाल की एक स्लोप होती है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब एक दफ़ा दरिया में से पानी निकल जाता है तो उसने उस स्लोप के ऊपर चल पड़ना है उसको कोई नहीं रोक सकता उसके आगे गेट लगे हुए हैं कभी आप इस तरफ भेज देंगे उसको कभी उस तरफ भेज देंगे और आपके ऊपर इस पानी का कंट्रोल नहीं है इसकी जो तकसीम है वो टाइम के हिसाब से की गई है कि जी इतने टाइम के लिए इस तरफ जाएगा इतने टाइम के लिए इस तरफ जाएगा जबकि जो तनाज़ है जो मसला है वो सारे का सारा है वाटर के वॉल्यूम के ऊपर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन टाइम पे जो फॉर्मूले बने हुए हैं जो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जबकि झगड़ा जो है वो वॉल्यूम का है आप वॉल्यूम मयर ही नहीं कर सकते इस तरीके से आप वॉल्यूमेट्रिक सप्लाई दे ही नहीं सकते ना आप कैनाल को दे सकते हैं ना आप वॉटर कोर्स को दे सकते हैं ना फार्मर को दे सकते हैं तो जब आपने एक सिस्टम ऐसा बनाया है जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम पे तकसीम करता है पानी को जबकि जो रिक्वायरमेंट है फार्मर की और सूबे की उसके जितने माहदे हैं वो सारे के सारे जो वॉल्यूम के ऊपर हुए हुए हैं तो ये जो एक इनकम्पेडिबिलिटी है आपकी बेसिक ये उसकी वजह से जो ना है ना झगड़े सॉल्व हो सकते हैं तो वेरी कर सकता है देखिए जी हमारा जो नाइन्टी का जो मसल माहिदा है उसमें जो वॉलीम्स हैं कि जी इतने मिलियन एकड़ फुट टोटल पानी आएगा इसमें से इतने मिलियन एकड़ फुट पंजाब लेगा इतना सिंध लेगा इतना के बलोचिस्तान वगैरह सब का उसमें अपना अपना हिस्सा है तो ये फिर डिस्ट्रीब्यूशन जरूरत की बुनियाद आपको अब उस डायरेक्शन में सोचना है जिसमें आपका जो इंजीनियरिंग सिस्टम बैक एंड पे पानी को तकसीम कर रहा है वो वॉल्यूमेट्रिक सप्लाई दे सके ये मेन आपका जो है ना ये मेरा क्वेश्चन तो इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है जी स्ट्रक्चरल चेंजेस की भी जरूरत है और मैनेजमेंट के चेंजेस की भी जरूरत है लेकिन अगेन इतना बड़ा सिस्टम जो तकरीबन 170 साल में बना है ब्रिटिश के जमाने से ये बनना शुरू हुआ उसको आप एक दिन में मतलब है कि उसे तो ये सूबों के अंदरूनी मसला ज्यादा है ये जो इंडिया का भी बार बार कह देते हैं वहां से पानी रुक गया हमारा देखिए इंडिया को रेलिवेंस तो, बनती है सर देखिए इंडिया को जो इंडस वाटर ट्रीटी में हमने पानी रोकने का कहा था ना इजाज़त दी थी इंडिया अभी तक उतना पानी नहीं रोक सका हमने कहा था कि आप हमारे तीन जो ईस्टर्न दरियाएं उनको मुकम्मल तौर पे रोक लें वो तो उन्होंने रोक लिए फिर हम साथ ये भी मान गए कि जो वेस्टर्न दरियाएँ हैं उनका सेवन परसेंट पानी वो भी ले लें लेकिन वेस्टर्न दरियाओं में से पानी निकाल के इंडिया में ले कर जाना उसके लिए जो उनको प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं वो इतने महंगे हैं कि वो आज तक कर नहीं सके और इसी बात पर वो मोदी साहब ने भी एक दो साल पहले ये स्टेटमेंट दी थी कि हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे और हम पाकिस्तान को वो पानी नहीं देंगे जो हमारा है वो बेसिकली वही जो सेवन परसेंट वेस्टर्न रिवर्स का पानी है वो उसके ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि उधर से पानी डाइवर्ट करके इंडिया ले जाना जो है वो बहुत एक महंगा काम है और प्रॉब्लम ये है जो मैं डेवलपमेंट मॉडल्स की बात करता हूँ जो हमारे बड़े फ्लॉड रहे हैं फाइनेंसिंग के हिसाब से भी फ्लॉड रहे हैं इंजीनियरिंग के हिसाब से भी फ्लॉड रहे हैं नाइनटीन uh, फिफ़्टी में जिस वक़्त इंडस वाटर ट्रीटी की निगोसिएशन हो रही थी तो 1954 में वर्ल्ड बैंक ने एक फार्मूला पेश किया जनरल व्हीलर थे जो, जो फार्मूला बनाने वाले उन्होंने कहा था कि तीनों जो ईस्टर्न रिवर्स हैं वो 100 परसेंट इंडिया ले ले और तीनों वेस्टर्न रिवर्स जो हैं वो पाकिस्तान ले ले 100 परसेंट तो इंडिया ने जब तजवीज़ मान ली थी पाकिस्तान ने नहीं मानी थी क्योंकि पाकिस्तान 100 परसेंट ईस्टर्न इंडिया को नहीं देना चाहता था लेकिन इसके छः साल बाद जब माह साइन होता है तो ना सिर्फ यह कि हमें ईस्टर्न में से मज़ीद कुछ नहीं मिलता बल्कि इंडिया जो मान चुका था कि वो वेस्टर्न में से कुछ नहीं लेगा हम उसको भी सेवन परसेंट देने के लिए तैयार हो गए तो ये क्या हुआ आखिर उन छः सालों में क्या हुआ कि जिस चीज़ का इंडिया माना हुआ था कि उसने नहीं लेना उसको वो भी मिल गया और फिर कुछ ऐसी चीज़ें इंडिया को मिल गई जो उसने मानी भी नहीं थी मांगी भी नहीं थी मसला इंडिया ने नहीं मांगा था अपने इनिशियल प्लान में कि वो गंदा पानी पाकिस्तान में भेजेगा फिर उसने हमसे यह भी मनवा लिया कि जी गंदा पानी जितना है उनका एग्रीकल्चर का और पूरे पंजाब का ईस्टर्न पंजाब का गंदा पानी है वो पाकिस्तान में फेंकेंगे तो हम वो भी मान गए कि हाँ जी आप फेंकें अच्छा कितना फेंकेंगे हमने कहा जी जितना मर्जी तो फेंकें क्यों ये क्यों मान गए कितना गंदा करके फेंकेंगे यानी उसकी पोल्यूशन की लिमिट्स वो भी हमने कहा कि जी कोई लिमिट नहीं है हम क्यों मान गए ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने की है हम इसलिए मान गए क्योंकि जो उस वक्त के अरबाब इख्तियार थे उनके ख्याल में ये बात आई कि हम भी जो है वो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बड़े कर्जे लें तो क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट्स जो इंडिया में किए थे जिसमें आलमी मालियाती इदारे शामिल थे वो प्रोजेक्ट्स करने में वो बैन अलावानी कवानी की खिलाफवर्जी थी तो उन बैन अवी कवान की खिलाफ वर्जी के पे, पे बग़ैर माहे के पाकिस्तान किसी वक्त भी इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकता था वो लोग नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान किसी पॉइंट पे भी इंटरनेशनल कोर्ट में जाए और जो कुछ हुआ है उसको मान जाए तो जब पाकिस्तान को ये ख्याल आया कि जी हम भी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बड़े कर्जे लें तो अरबाब इख्तियार ने कहा कि यार वो जो कहते हैं उनकी बात मान लो है। ताकि है। हमें कर्जा मिले और उस कर्जे के चक्कर में जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसकी शर्त आयद कर दी वर्ल्ड बैंक ने कि जी आप ये माहन करेंगे तो फिर आपको कर्ज़ा मिलेगा और फिर इंडिया ने कहा कि अच्छा अब मौदा अगर आपने साइन करना है कर्जा लेने के लिए तो फिर आप ये सारी चीज़ें भी माने जो पहले हम नहीं मांग रहे थे ठीक है बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन अब्बास हमें ज्वाइन करे थे नाजीन प्रोग्राम देखने का शुक्रिया अल्लाह हाफिज़